सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा फैला कर छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सठर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 10 बजे से। और फिलहाल हम हैं खट्टीमा में मौसी के घर, इनकी छोटी वाली मौसी के घर पर हैं। और फिलहाल अभी हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, उसकी छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है, उसके बाद में डालूंगी। पतिदेव नाश्ता कर रहे थे, मौसी ने काफ़ी अच्छा नाश्ता बनाया था, कल रात को भी काफ़ी अच्छा खाना बनाया था। और अब हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं महेंद्र नगर। महेंद्र नगर से होते हुए नेपाल जाते हैं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं नेपाल। यहाँ से बड़ी मार्केट है नेपाल की, तो हमने सोचा आज नेपाल घुमाते हैं। झूलाघाट वाला, झूलाघाट से तो हमने आपको नेपाल घुमा मतलब दिखा दिया था, लेकिन हम आपको महेंद्र नगर से दिखाएंगे नेपाल। बाकी हम शॉपिंग भी करने जा रहे हैं आज, अगर वहाँ हमें कुछ अच्छा मिलेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ के रुपये में और वहाँ के करेंसी में दोनों में अंतर है ना, तो तभी देखा जाएगा अगर कुछ अच्छा लगा तो। वैसे बोल रहे थे कि यहाँ अच्छा है। और पतिदेव ने कैमरामैन एक बार आपको ना मौसी की छत से यहाँ का व्यू दिखाते हैं कि यहाँ का है कैसा व्यू वगैरह। गाइस फिलहाल हमारा नाश्ता करना हो गया है, मौसी ने हमारे लिए बना रखे हैं पूरी, छोले चने और दही है और साथ में अचार है। और यहाँ पे हमारे पतिदेव खा रहे हैं भोंदू राम की तरह। कैसा रहा है? ये हमारी छोटी वाली मौसी जिनके घर हम आए हैं। अंधेरा है, नहीं फिल्टर कहाँ, इतने गोरे हो। मौसी हमको यहाँ से देखी है और ये है मौसी का घर जो कि कैमरे में फिट ही नहीं हो पा रहा है। और पतिदेव है यहाँ पे। सो गाइस हम हो चुके हैं तैयार दोनों जने और हमने बाइक भी बाहर निकाल दी है। बाकी यहाँ से निकलते हैं और आपको यहाँ से पूरा दिखाते हैं महेंद्र नगर तक। तो दोस्तों घर से तो हम निकल गए थे, बनबसा क्रॉस कर रहे हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 मिनट ही हो रहे हैं। और हमने यहाँ बनबसा में शारदा बैराज है, दिख ही रहा होगा आपको, इसे भी क्रॉस कर लिया। अब निकलते हैं आगे को महेंद्र नगर को, एक बार अच्छे देख लो। ये है शारदा बैराज। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नेपाल, महेंद्र नगर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने थे। पहले तो हमने इंडिया पे दिखा दिया, अब नेपाल में भी डॉक्यूमेंट दिखाने थे और गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाने के लिए गए हैं अभी पतिदेव, और लगे हैं लाइन पे, फिर उसके बाद निकलते हैं हम। पतिदेव यहाँ पे दिखा रहे हैं हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट और अपना लाइसेंस। दोस्तों नेपाल के अंदर घुसते ही हमें यहाँ पे एक नेपाली शादी दिखी है जिसमें छलिया नाच चल रहा है। यहाँ भी छलिया है और वो मतलब सारे हैं, लेकिन थोड़ा डांस और बाजा थोड़ा अलग ढंग से बजा रहे हैं। और आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं यहाँ के लोग जो शादी सूदी में सजे सवरे रहते हैं औरतें, वो दिखाते हैं हम आपको। ये रही दूल्हे राजा की गाड़ी, बाकी ये है सारे सजे सवरे हुए लोग। ये देखो नेपाली टोपी चल रही है सबकी, ये देखो भाई नेपाली शादी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महेंद्र नगर के मार्केट में और यहाँ से अब देखते हैं कपड़े वगैरह का कुछ, आज तो कुछ लेके ही जाएंगे पक्का। सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ जो नेपाली दूल्हे होते हैं उसके एक बार कपड़े दिखा देती हूँ आपको। मेरे को हंसी आ रही है मतलब कपड़े देखे, अब अपना अपना कल्चर है। वैसे तो मैं इनसे मजाक भी कर रही थी कि अगर आप यहाँ होते तो आप ऐसे कपड़े पहनाते गए। ये देखो नेपाली दूल्हे के कपड़े। दोस्तों मार्केट में घूमते घूमते हमें 15 मिनट हो गए हैं लगभग, और अभी तक हमें ना कुछ भी नहीं मिला, बस हम यहाँ की चीजें ही देख रहे हैं, कभी दुल्हन के कपड़े कभी दूल्हे के कपड़े कि यहाँ कैसे हैं।
बाकी जो जैकेट वगैरह है ना, मोटी वाली जैकेट है, वो घुटने तक है इतनी लंबी लंबी, तो वो अच्छी लगेंगी भी नहीं। और इनके लिए भी कुछ मिल नहीं रहा है, जो भी मिल रहा है ब्लैक कलर का ही मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर के तो इन पे कितने पड़े हुए हैं, ग्रीन भी है, हम कुछ सोचे थे दूसरा कलर मिले लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। और अगर कुछ नई चीज़ें दिखती हैं तो हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो हम अभी महेंद्र नगर की मार्केट में ही घूमने में हैं दोस्त, यहाँ पे दुकान का ढांचा बना रखा है ऐसे, ये केले के पेड़ हैं और ऐसे गेट बना रखा है यहाँ पे। हमें यहाँ पे ना अभी तक कुछ भी पसंद नहीं आया नेपाल में, तो हमने अभी तक कुछ भी खरीदा नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ खा रहे हैं, मतलब मोमो खा रहे हैं। कहते हैं कि नेपाल में भी मोमो अच्छे होते हैं, तो तभी हम सोच रहे थे कि हम मोमो खा लेते हैं, लेकिन अभी ना मुझे वेज मोमो मिले नहीं है, बन रहे हैं अभी, बोला है बनाने के लिए, बाकी तब तक पतिदेव खा रहे हैं मोमो। इनके मोमो आ गए हैं लेकिन मेरे अभी आने में टाइम है। दोस्तों हम यहाँ पे आए थे जैकेट वगैरह लेने के लिए मोमो खाने के बाद, मोमो मुझे भी मिल गए थे, फिर उसके बाद मोमो खाने के बाद हम आए यहाँ, लेकिन यहाँ पे ना इनको एक जैकेट पसंद तो आई, लेकिन ये इतने लंबे हैं कि इनके हाइट का कोई जैकेट मिल ही नहीं रहा है यहाँ नेपाल में, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, मतलब इनसे छोटे छोटे ही दिख रहे हैं। और वो कौन सी जैकेट थी मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, पैरासूट जैकेट कहा जाता है उसको, मतलब उसके अंदर जेब होती है और वो जेब के अंदर ही पूरी जैकेट चली भी जाती है। दोस्तों जो ये ब्लैक वाली जैकेट है ना, इनको ये ब्लैक वाली जैकेट पसंद आई थी, लेकिन ये इनके साइज की है नहीं। दोस्तों हमने यहाँ से और कुछ तो लिया नहीं, फिर से वही लाली प्यारी चाचा लिया, क्योंकि मेरे को मैगी ना काफी ज्यादा अच्छी लगी यहाँ वाली, झूला घाट से भी हम वही लेके आए थे और यहाँ से भी वही ली, और जैकेट वगैरह का अब हम खटीमा से लेंगे। यहाँ ना काफी ज्यादा महंगा बोल दे रहे हैं कुछ भी, जो शूज मैंने पहन रखे ना व्हाइट वाले हैं मेरे शूज, वो मैंने 700 के लिए, और यहाँ वो इंडियन रुपीज का 2000 रुपए कह रहे हैं यार, 2000 रुपए की कौन लेगा, वो 700 रुपए के मिल जा रहे हैं, इतना बहुत ज्यादा लूट है, मतलब काफी ज्यादा लूटा जा रहा है यहाँ पे, तो हम तभी कुछ भी चीज नहीं लेके जा रहे, सिर्फ मैगी लिया हमने। अब निकलते हैं यहाँ से बनबसा की तरफ को। दोस्तों नेपाल से हम पहुंच गए हैं अपने इंडिया, और यहाँ पे पुल है, तो पुल से उस साइड को, छोटा सा पुल है यहाँ पे, तो उस पुल से उस साइड को नेपाल था, और हम यहाँ पे इंडिया पहुँच गए हैं, और इंडिया का यहाँ पे हमारा तिरंगा भी लगा हुआ है, और साथ में ना यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है और इसमें लिखा है भारत में आपका स्वागत है। तो जो नेपाल और इंडिया का यहाँ से बना हुआ है, मतलब बनबसा से थोड़ा आगे पे बना हुआ है ना गेट बना है, तो वो यही है, और यहीं से यहीं पे है बॉर्डर, मतलब इसकी ये रहा गेट, और ये पीछे आपको जो गाड़ियाँ दिख रही है ना, यहीं पे कोई छोटा सा पुल है, वही मतलब सीमेंट वाला ही पुल है। और आज हम यहाँ से नेपाल की करेंसी भी लेके आए हैं, जो कि मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, फ्रंट से दिखाऊंगी ना तो अलग सा लगेगा। इसमें दो हिरन बन रखे हैं, 20 मतलब उनको उनके यहाँ भी रुपीज़ ही बोलते हैं, तो उनके 20 रुपीज़ लेके आए हम। ये है सुलटे में और ये उल्टे में है। बाकी मैं आपको ना इसे बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। इसमें थोड़ा मतलब हिंदी वाला, मतलब हिंदी के जो शब्द होते हैं वो तो हिंदी में लिखे हैं, बाकी जो वो होता है ना मतलब कि जो अंक होते हैं 1 2 3 4 होते हैं, वो वाले भी हिंदी टाइप में लिखे हैं, जो हमारे यहाँ पे पहले पढ़ाते थे स्कूलों में, अब तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ गाड़ी के जो नंबर है ना, गाड़ी के पीछे जो नंबर प्लेट लगी होती है, उसमें भी ऐसे शब्द ऐसे ही उसमें लिखा, अंकों में लिखा हुआ है, हिंदी वाले अंकों में, और इस रुपये इनके रुपये में भी। एक बार आपको दिखाते हैं, 20 रुपये का नोट है ये, ये रहा नेपाल का 20 रुपया, जो मैं आपसे बोली थी ना कि हिंदी वाले अंक लिखे हैं, तो ये रहे, और पीछे से ये है। दोस्तों मैं इंडिया के उसकी बात करी थी ना, तिरंगे की बात करी थी, तो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा तिरंगा, जो कि बहुत अच्छे से लहर रहा है अभी। और जब हम नेपाल के अंदर गई थी ना, मैं बोल रही थी कि पतिदेव डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद एक पास बनता है नेपाल के अंदर जाने के लिए, तो वो ये होता है, आपको वैसे दिखा देते हैं एक बार और। तो जो पास बनता है ना वो ये है, मतलब हमारी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है इसमें, और ये बनाता है, इसमें मुहर वगैरह लगी है और सिग्नेचर भी। दोस्तों शारदा बैराज के पास मेरे पीछे से आप देखो कितना सारा जाम लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, उसके वजह से इतने सारे लोग हैं पीछे, इतने सारे आगे भी हैं, तो सब गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे गेट खुले वैसे सबके सब निकले। दोस्तों बनबसा से हम पहुंच गए हैं खटीमा,
और अब हम सोचे हैं कि खटीमा की मार्केट से ही शॉपिंग करेंगे, सोचे क्या मतलब यहीं से खरीदेंगे, लेकिन हमने सोचा था ना कि आज नेपाल से हम पक्का शॉपिंग करके आएंगे, बट भाभी हम शॉपिंग कर नहीं पाए क्योंकि मिला ही नहीं कुछ और मिल भी रहा था ना, तो सच में यहीं का जैसा सामान था और इतना ज़्यादा लूट रहे सामान को देख के, तभी हमने लिया ही। अब यहाँ से लेते हैं और जो भी चीज़ें लेंगे आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उसका रेट भी बताएंगे। पतिदेव मेरे साथ साथ चल रहे हैं। लो भाई हम हैं खटीमा की मार्केट में, जो कि इस तरह की है, हल्द्वानी के टाइप की मार्केट है। ये सूटे तो मैंने पिथौरागढ़ में भी देखी थी, छोटे से पिद्दी वाले समोसे ग्रेम्बल। दोस्तों खटीमा से तो फिलहाल अभी मैंने एक ही चीज खरीदी है और उसके बाद मेरे को ना रील बनानी थी, मतलब जरूरी थी वो रील बनानी, प्रमोशन था रील का, तो तभी हम लोग थोड़ा यहाँ आए थे, थोड़ा आगे को आए थे, लोकेशन ढूंढ रहे थे, एक पार्क मिला हमें तो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं रील। अब यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो भी खींच लेते हैं, थोड़ा सही लग रहा है मतलब फोटो खींचने के लिए। हम आज खींच भी नहीं पाए थे, ऐसे ही रह गए, ट्रैवलिंग में ही रह गए थे, और पतिदेव अभी फोन में गाने ढूंढ रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं फोटो वोटो खींच के और आपको सीधे अब मिलते हैं फिर से खटीमा की मार्केट में ही। सो गाइस हम खटीमा तो पहुंच गए थे और खटीमा पहुंचते ही पतिदेव टूट पड़े हैं चिकन पकौड़ा में, जो कि मैं तो खाती नहीं, और ये खाने पड़े हुए हैं। हम करेंगे चाप का वेट। ओए दोस्तों पूरी खटीमा में ना मुझे चाप कहीं भी नहीं मिला और अभी मैं पनीर टिक्का खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी चीज मिल नहीं रही है। मैं पनीर रोल ढूंढ रही थी, वो भी नहीं मिली, और अब हम खाते हैं पनीर टिक्का, उसके बाद जाते हैं घर को बच्चों के लिए कुछ लेके खाने की चीज बीज। बार्गेनिंग कर रही है अंकल से, एक टॉप और ये ले रहा है, एक स्वेटर और एक जींस ले। दोस्तों आज जो हमने शॉपिंग करी वो आपको दिखाते हैं। एक हमने ली पतिदेव के लिए, ये वाली जैकेट मैंने ली पतिदेव के लिए, हमको पिथौरागढ़ में ना पिछले मैंने इनकी जैकेट ली थी तो वो हमको वहाँ पे 1200 की पड़ी थी, और यहाँ से इनके लिए मैंने 900 की ली है और काफ़ी अच्छी भी है और इसका वेट भी हल्का है और गर्म भी है।